नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, जो आज जो पहली शिफ्ट थी इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके भी जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके लगभग सारे क्वेश्चंस के हम एक्यूरेट आंसर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। तो नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद, ये तीनों गोदावरी नदी के किनारे हैं, जबकि जो नवसारी है वो आपका उसके किनारे पर नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नवसारी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन बना था, तो उसके बाद आपको ज्ञानी जैल सिंह। ट्रिक क्या थी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो रेड्डी के बाद क्या है, जेल में, तो ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था, तो वो कौन थे, बिंदुसार थे। नेक्स्ट था मेखला, खेला नहीं, ये मेखला चादर है, तो मेखला चादर कहाँ का है, तो ये है आसाम का, तो मेखला चादर आपका आसाम का है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, तो आमार सुनार बांग्ला, बांग्लादेश का है। वर्गीज कुरियन को किसके टाइम पे किया गया था, तो इसका आंसर भी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इसका आंसर मे बी कि इंदिरा गांधी हो सकता है, ठीक है। बाकी कन्फर्म करके आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या था कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है, कितने भाग हैं, 25 भाग हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला था, तो जो सबसे लोकप्रिय फिल्म थी वो थी आपकी बाहुबली द कंक्लूजन, दैट मीन्स बाहुबली 2। नेक्स्ट क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबल पुरस्कार जिनको मिला था वो किस देश के थे, तो विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर, ये दोनों थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट कहता है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी वाला काम, ये आपका फिशिंग कहलाता है। फिशिंग मतलब ये आपको कोई लिंक भेजा जाएगा और आप वहाँ पर जाकर लॉगिन कर दोगे तो आपका आईडी पासवर्ड दूसरे के पास चला जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग। नेक्स्ट, चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पर है, तो चित्रकोट जलप्रपात आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कैराकस। क्विटो कहाँ की है, इक्वाडोर की है। भारत में निम्नलिखित में किस रेडियो धर्मी धातु का सबसे बड़ा भंडार है, तो आपको पता है कि केरला में ऐसा क्या होती है, थोरियम, तो भारत में थोरियम का काफ़ी बड़ा भंडार है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का, तो वो कौन है, तस्मानिया या फिर टैस्मानिया, जो भी इसको लिखा गया है, तस्मानिया है वो, ठीक है। ओके, तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कहता है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था सुलेमान सिकोह और शाह सुजा के बीच में, तो उसका आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह। फिरोजाबाद में 200 से भी अधिक वर्षों से किसका उत्पादन था, फिरोजाबाद आपको पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, कौन सा कथक घराना उसके लिए, तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो भगवान राम थे वो अयोध्या, तो अयोध्या आपको पता है कि कौशल की राजधानी थी, कौशल के राजा भी कहे जाते थे उनके जो पिताजी थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो आपको पता है किसने जीता था, अमर्त्य सेन ने, सीवी रमन ने फिजिक्स में, और कैलाश सत्यार्थी ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। मैरी कॉम की जो आत्मकथा उसका नाम क्या है, अनब्रेकेबल, ठीक है। आगे चलते हैं कि शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो शालीमार है बाग आपकी दिल्ली में, ठीक है। और जो आपका सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है ये आपका होता है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, तो वो है आपका इलाहाबाद बैंक। वैदिक सभ्यता आपको पता है कि सारे जो बीवीएस हैं वो आपके सरस्वती नदी के किनारे पर लिखे गए हैं। ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था उसकी कल्पना कहाँ पे करी गई, तो वो उसमें क्या बना था आपका, IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये आपका ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद ही बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो ट्रेन 18 है वो कहाँ पर बनी है, तो ट्रेन 18 आपका पेरम्बूर, जो कि आपका चेन्नई में है, वहाँ पर उसको बनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं, किसको छोड़कर बाकी सभी संगठन बहुलक हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को छोड़ के तो बाकी सारे आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स आते हैं। नेक्स्ट है कि IIT कानपुर ने कहां पर एक कार्यालय बनाया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव खोसला को वहां का ब्रांड दूत बनाया गया है, तो ये आपका खोला गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब यूपी पुलिस है उसमें पुरुषों के लिए रेस कितनी होती, तो वो होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ये तो आपको सबको पता ही है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का राज्यपाल 22 जुलाई 2014 को कौन बने थे, तो वो बने थे आपके राम नाइक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि मुरादाबाद को पीतल जिले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो कि आप आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, तो उसके आपको सही से आंसर्स आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको और अभी नेक्स्ट कुछ ही देर बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी के भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।